अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरी जीवियस। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं, ये देखें ये पायों की हड्डियां हैं, ये देख लें ये गुद्दे वाली पायों की हड्डियां हैं, ये हम बनाएंगे आज इसका जीवियस। मैंने ये कुकर में डाल दी हैं, अब मैं इसमें ये थोड़े से मसाले ऐड कर देती हूँ। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून के करीब भर के मैं इसमें ये हल्दी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब भर के इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी पिसा हुआ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, अदरक लहसुन का, ये हम 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसे इसमें वाटर ऐड करके इसे कवर लगा के मैं रख दूंगी फ्लेम के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें वाटर ऐड कर देंगे। अब मैं इसको कवर लगा के फ्लेम पे रख दूंगी और इसे गलने तक इसका इंतजार करेंगे। जी वी एस, देखें माशाल्लाह से ये हमारा कुक हो गया है। और ये देखें ये जो पायों की हड्डियां, ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल, ये देखो इनका, ये इसी तरह आपने भी बिल्कुल अच्छी तरह से गला लेना है, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसका मसाला बनाते हैं जो हमने इसको तड़का लगाना है। जी वी एस, देख लें मैंने 1/2 कप के करीब मैंने पैन के अंदर ऑयल ऐड कर दिया था। अब ये माशाल्लाह से हीटअप हो गया। अब इसमें मैं ये ऑनियन ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें गोल्डन सा कलर आ जाता है तो फिर हम इसमें मजीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जी वी एस, देखिए माशाल्लाह से ये गोल्डन सा कलर आ गया है हमारी ऑनियन के ऊपर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, फ्लेम बिल्कुल आपने लाइट रखना है। ये 4 टेबल स्पून के करीब हमारा ये पाया मसाला है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम बिल्कुल आपने लाइट रखना है और इसकी अच्छी से मिक्सिंग कर देनी है। मसाला हमारा कुक हो गया है। अब जी वी एस, मैंने फ्लेम के ऊपर से इसको उतार लिया। अब मैं इसमें ये दही ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप के करीब हमारा ये दही, योगर्ट था, दही था, ये इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम के ऊपर अगर हम दही ऐड करें तो दही फटने का खतरा होता है। जी वी एस, देख ले माशाल्लाह से ये ऑयल हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया है। दही आपने नीचे इसलिए फ्लेम से नीचे उतार के दही डालना है, इसलिए डालना है कि दही फट जाता है, फिर वो टेक्सचर नहीं आता। इस तरह से आपने स्पून डाल के इसके अंदर इस तरह से इसको हल्का हल्का सा, और थोड़ा फ्लेम मैंने लाइट रखा हुआ है। इसको पका लेना है अपने अच्छी तरह, कुक कर लेना है। जी, अब मैं यही मसाला, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और इसको हल्के से फ्लेम के ऊपर रख दूंगी। व्यूज, इसमें मैंने जितना आपको जरूरत हो इसका, आपने ये शोरबा जितना आपने रखना हो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर देना। और फिर इसको हम कवर लगा के हल्की बिल्कुल लाइट आंच के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वी एस, देखें माशाल्लाह से हमारा ये कुक हो गया है। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब ये गरम मसाला है, ये ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा ये हरा धनिया है, ये ऐड कर देंगे इसमें हम। और फिर इसकी हम मिक्सिंग कर लेंगे। माशाल्लाह से बस अब ये रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। व्यूज, आप भी इसे अपने घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इसकी बहुत ज़्यादा फादियत है। जिसे जिन लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छी होती हैं और इसका टेस्ट भी बिल्कुल पायों जैसा ही होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वी एस, देख लें माशाल्लाह से हमने डिश आउट कर लिया है। कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये, माशाल्लाह टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है ये।
हड्डी गुड्डी का ये साधन रेडी हो गया है। पायों की हड्डियां भी इसे कह सकते हैं, आपके पायों की हड्डियां। इसकी इफादियत माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होती है, जिन लोगों को जॉइंट्स प्रॉब्लम वगैरह हो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये, आप वीक में 2 बार बना लिया करें। माशाल्लाह से इसमें बिल्कुल पायों जैसा ही होता है। फैमिली में ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफा, तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सुब्हान अल्लाह, हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह। इस सूरत नू मैं